जयपुर में बढ़ती ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण एक्टिव हो गया। जीडीए के अधिकारियों ने शहर में बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 2 नए एलिवेटेड रोड, 4 फ्लाईओवर, 3 रेलवे ओवरब्रिज बनाने के साथ ही सड़कों को चौड़ा करने और नए गार्डन विकसित करने का खाका तैयार कर लिया। इसकी अनुमानित लागत 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स को जेडीए अधिकारियों द्वारा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद आला नेताओं के साथ चर्चा के बाद शुरू किया जाएगा। 1100 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर सर्कल से ओटीएस चौराहे होते हुए जवाहर सर्कल तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। इस 9 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के निर्माण से इस रूट पर लगने वाले जाम और ट्रैफिक लाइट्स को आम जनता को राहत मिल सकती है। लाइट से आम जनता को राहत मिल सकती है। 400 करोड़ रुपए की लागत से कलेक्ट्रेट से राजमहल चौराहे तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित किया गया। इस 3.6 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के निर्माण के बाद इस रूट में लगने वाले जाम और ट्रैफिक लाइट से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। 170 करोड़ रुपए की लागत से सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक एलिवेटेड रोड का निर्माण प्रस्तावित है। 98 करोड़ रुपए की लागत से पृथ्वीराज नगर दक्षिण क्षेत्र में वंदे मातरम मार्ग पर पत्रकार कॉलोनी जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। 95 करोड़ रुपए की लागत से जगतपुरा सीबीआई पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। 90 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर रोड पर महिंद्रा स्टेज के पास 250 फीट और 200 फीट सड़क पर फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। 26 करोड़ रुपए की लागत से आगरा रोड को नागौर याम से 7 नंबर बस स्टैंड महल रोड जाने के लिए रेलवे फाटक पर सालिगरामपुरा फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। 72 करोड़ रुपए की लागत से गोपालपुरा बाईपास पर रिद्धि सिद्धि तिराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 65 करोड़ रुपए की लागत से इमली वाला फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। इसके साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 3 करोड़ रुपए की लागत से टोंक रोड और फागे रोड के बीच 30 किलोमीटर लंबाई में सड़क निर्माण की फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी। इसके साथ ही 25 करोड़ रुपए की लागत से मौजूदा वित्तीय वर्ष में 50 किलोमीटर की लंबाई से सेक्टर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। 8 करोड़ रुपए की लागत से इस मानसून में जेडीए की भूमि सड़क किनारे और अन्य स्थानों पर पौधारोपण किया जाएगा, जबकि 40 करोड़ रुपए की लागत से जयसिंहपुरा पास जिरोता में द्रव्यवती नदी के पास 21.42 हेक्टेयर भूमि पर 40 करोड़ रुपए की लागत से नगर वन विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही 55 करोड़ रुपए की लागत से गड़ियावास जमवारामगढ़ में 30 हेक्टेयर भूमि पर ग्रीन बेल्ट विकसित करना प्रस्तावित है, जबकि 40 करोड़ रुपए की लागत से नेवटा बांध के आसपास के क्षेत्र में 30 हेक्टेयर भूमि पर जैव विविधता पार्क विकसित करना प्रस्तावित है। 15 करोड़ रुपए की लागत से लोहा मंडी योजना में 4.5 हेक्टेयर भूमि पर ऑक्सीजन पार्क विकसित किया जाना भी प्रस्तावित है। दरअसल फिलहाल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है। इसकी वजह से सरकार इस वक्त ना तो नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है, ना ही किसी नए प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सरकार नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर सकती है। माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इसी साल पूर्ण बजट भी पेश कर सकती है। ऐसे में जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकतर प्रोजेक्ट की घोषणा बजट में संभव है।